राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे भव सागर से सहज ही पार उतर जाएंगे। नेसे भवद गुण कथाम मृतपान मत्तः। संतों का जो संग है ना, ये भव सागर से पार उतरने के लिए जहाज के जैसा है। संतों के संग से कथा कीर्तन लीला का सुख मिलता है और वही भव सागर से पार उतरने का जहाज है। आप पल्ली पार जाना चाहते हैं, समुद्र पार करके उतरना चाहते हैं जहाज से, आपको तैरना नहीं आता और आप बैठ गए जहाज में, तो पार हो जाएंगे कि नहीं? भले ही तैरना नहीं आता पर जहाज में बैठ गए तो पार होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, एक बात और पूछते हैं। मान लो बैठ के आपको नींद आ गई, आप सो गए, तो क्या जहाज बीच में आपको उतार देगा? बोलो, उतार देगा बीच में? उस पार ले जाकर ही छोड़ेगा, बीच में उतारता नहीं जहाज। हमारी बात सुनकर कथा में सोने मत लग जाना आप लोग। हम ये कह रहे हैं कथा कीर्तन सत्संग जहाज के समान है। यहाँ आकर कथनचित झपकी भी लग जाती है, सो भी जाते हो तो भी घर में मुर्दे के जैसे पड़े रहे तो उससे लाख गुना अच्छा यहाँ झपकी ले लेते हो। क्यों? भले ही झपकी ले लेते हो, बीच मझधार में तुम्हें उतारा नहीं जाएगा, तुमको भी पल्ली पार पहुंचाया जाएगा। सत्संग में बैठना सीख लो। हमारे कहने का आशय नहीं कि यहाँ के सोना चाहिए, ये हम नहीं कह रहे बिल्कुल भी, ये हम नहीं बोल रहे। लेकिन कथनचित नींद भी आ जाए तो भी कोई घाटा नहीं है सत्संग में बैठने में। अरे जब कभी जयकार बोलेगी, बोलो नरसिंह भगवान की जय, तो इतनी जोर सब जय बोलेंगे तो नींद तो खुलेगी कि नहीं खुलेगी? तो एकाध वाक्य सुन लेगा, उतने में ही काम बन जाए, हो सकता है। इसलिए आहा क्या कहना, संतों का संग मिले, क्योंकि संतों के संग में कथा कीर्तन का सुख मिलता है। संत श्री कबीरदास जी की एक साखी है। राम बुलावा भेजिया, राम जी ने बुलावा भेजा, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। अरे राम जी ने बुलावा भेजा तो प्रसन्न होना चाहिए, रोए क्यों? बोले जो सुख यहाँ सत्संग में सो वही कुंठ न होए। जो यहाँ सत्संग में सुख है वो वैकुंठ में भी सुख नहीं। जो चंद्र सरोवर में बैठकर सत्संग का सुख मिल रहा है वो सुख वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए यहाँ के संतों ने कहा, अरि गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं, अरि गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। इसलिए चित स्वामी जी कहते, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। क्यों? क्योंकि जो लीला कथा सत्संग का सुख ब्रज में है वो सुख कहीं नहीं है। संतों के दर्शन का सुख, सत्संग का सुख अद्भुत सुख है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।